जी, तो लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने अभी इसका जो फर्स्ट पार्ट किया था अपने लेक्चर का, दैट वाज जस्ट द इंट्रो। अब असल बेसिकली हम लोग चल रहे हैं अपनी फर्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि हमारे 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में से दिया गया है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ पीपल मेक डिसीजंस, लोग डिसीजंस किस तरह लेते हैं। अगर लोगों ने डिसीजन लेने हैं तो उनको 4 10 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में से ओनली 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपने भी अगर अपनी रियल लाइफ में कोई डिसीजन लेना है कि मैं ये करूं या ये ना करूं, तो उसमें भी आपकी इकोनॉमिक्स हेल्प कर सकती है। इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करती है? अपने 10 प्रिंसिपल्स के साथ। उन 10 प्रिंसिपल्स में से आप सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करें तो दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, आपने किस तरीके से अपना कोई फैसला करने किसी चीज को लेके, तो ये 4 प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करेंगे लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन लेने में, छोटे छोटे मैटर्स के अंदर। इधर इट्स योर बिजनेस डील, इधर इट्स योर स्मॉल स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी आपकी इवन आपके रियल लाइफ की भी कोई स्मॉल डील है तो उसके अंदर भी ये चीज आपको हेल्प करती है। स्टार्ट करते हैं बेटे। रूल नंबर फर्स्ट जो था, प्रिंसिपल नंबर फर्स्ट, पीपल फेस ट्रेड ऑफ। लोगों को तरह तरह के ट्रेड ऑफ्स का सामना करना पड़ता है, यानी कि उनको कोई ना कोई ऐसे डिसीजन लेने की सिचुएशन तब आती है जब लोगों को चूज करना पड़ जाए। एट द वन टाइम लोग हर चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, आप खाने की टेबल के ऊपर बैठे हैं, आप मीठा और जो नमकीन है वो इकट्ठा नहीं खा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ये कुछ वो एक्सेप्शन होती हैं जो कि इकट्ठा भी खा लेते होते हैं, लेकिन आप मीठा पहले खाओगे या नमकीन पहले खाओगे? ठीक है, अगर आप नमकीन पहले खाओगे तो मीठा बाद में खाओगे, यानी कि हमारे स्मॉल 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 थिंग्स में भी ट्रेड ऑफ शामिल होते हैं। ट्रेड ऑफ बेटे एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम लोग किसी एक चीज को चूज करते हैं। ठीक है, मेकिंग डिसीजन यानी कि डिसीजन लेना रिक्वायर्स ट्रेडिंग ऑफ वन गोल गुड गोल या गुड अगेंस्ट अनदर। दूसरी एक दो दो चीजों में से हमने किसी एक चीज को चूज करना होता है, इस सिचुएशन को हम लोग ट्रेडिंग ऑफ का नाम देते हैं, ट्रेड ऑफ का। ठीक है, ट्रेड ऑफ एक वर्ड है, ये ट्रेडिंग नहीं है, याद रहे, ट्रेडिंग इज अनदर थिंग, ये ट्रेड ऑफ है, यानी कि किसी एक चीज को चूज करना। ट्रेड ऑफ इज अ सिचुएशन टू लूज समथिंग इन ऑर्डर टू गेट समथिंग सम अदर थिंग। अगर आप मीठा और नमकीन खाने में से चूज कर रहे थे ना, अगर आपने नमकीन चूज किया तो आपने मीठा खो दिया, यानी कि अगर आपने नमकीन पाया है तो मीठा खो दिया है, और अगर आपने मीठा खाना चूज किया तो आपने मीठा पाया और नमकीन खो दिया। दिस इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। पीपल डील विद प्लेंटी ऑफ चॉइसेस इन देयर एवरीडे लाइफ, ऑल डिसीजंस इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ। सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा है कि आपकी छोटी छोटी जिंदगी की हरकत में भी ट्रेड ऑफ शामिल है, छोटे छोटे डिसीजन में ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व है। इवन आपके ब्रशेस में, आप जब कंघी कर रहे होते हो, आप कौन सा ब्रश यूज करोगे, आप कॉम्ब यूज करोगे या ब्रश यूज करोगे, वो भी एक ट्रेड ऑफ है। ठीक है, इसी तरीके से आप दुकान पर जाते हो, आपके पास 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए के अंदर आप 3 चीजें लोगे या 2 चीजें लोगे, ये डिसीजन भी आपका ट्रेड ऑफ है। फिर आप जब इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ठीक है, आप बड़े हो जाते हो, आपने डिग्री अटेन कर ली, अब आपने अपनी अब आप जब अपनी डिग्री अटेन कर लोगे एडीपी की, उसके बाद आपके पास ट्रेड ऑफ आएगा अपना काम स्टार्ट करना है कि हमने जॉब करनी है, ये भी एक ट्रेड ऑफ है। ठीक है, अब ट्रेड ऑफ कितनी तरह के होते हैं, इकोनॉमिक्स उसको ट्रेड ऑफ को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करती है, ये आपको बताया जाएगा बेटे। इकोनॉमिक्स में जो ट्रेड ऑफ्स हैं, यानी कि जो एक चीज को चूज करना दूसरे को छोड़ देना, ये 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी आती है आपकी अपनी लाइफ, यानी कि आपकी पर्सनल जिंदगी, आपकी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन उसके अंदर दी है, पढ़ाई चूज कर लो या खेल को चूज कर लो। वो कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो ये वो वाला हिसाब है। ठीक है, आपकी आम जिंदगी में भी इकोनॉमिक्स का ट्रेड ऑफ आता है, यानी कि पढ़ाई ले लो या खेल कूद कर लो, एक काम करो। उसके बाद सेकंड जो चीज है आपकी, ये ट्रेड ऑफ आती है आपकी नेशनल लेवल के ऊपर। ठीक है, ट्रेड ऑफ नेशनल लेवल के ऊपर भी किए जाते हैं, चाहे तो गन्स पे लगा लें चाहे तो बटर पे लगा लें। गन्स वर्सेस बटर, गन्स वर्सेस बटर बेटे ये एक मुहावरा भी है और एक ये कहा भी जाता है कि या तो अपने डिफेंस के ऊपर सारा पैसा लगा लें या उन गरीबों के ऊपर पैसा लगा लें जिनके घर में राशन तक नहीं है। ठीक है, या उनको जॉब्स प्रोवाइड कर दे, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए कि आप लोगों को फूड प्रोवाइड करो, बजाइए कि सारा का सारा पैसा असला खरीदने में लगा दो, कि आप डिफेंस के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हो कि लोगों को आप इग्नोर करते जा रहे हो। लोगों ने डिफेंस तो कर लेना है, आपका एक आर्मी आप रेडी कर लोगे उससे आपका डिफेंस तो हो जाएगा, लेकिन बाकी जो बचे हुए भूखे जो लोग मर रहे हैं उनका क्या किया जाएगा? गन से मरने की बजाय अगर उनसे उनको भूख से मारा जाए तो दिस इज नॉट फेयर। ठीक हो गया, तो नेशनल लेवल के ऊपर ये डिसीजन ट्रेड ऑफ आते हैं कि या तो गन्स के ऊपर खर्चा कर लो या फिर बटर के ऊपर, यानी कि अपनी कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चा कर ले। इसके बाद आता है सोशल वेलबींग के ऊपर एक कैटेगरी बनाई जाती है ट्रेड ऑफ की। उसमें क्या होता है, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी।
या तो एफिशिएंसी चूज करें या इक्विटी को चूज करें। अब एफिशिएंसी और इक्विटी इकोनॉमिक्स में क्या होती है बेटे? एफिशिएंसी का आसान लफ्जों में बताऊं तो एफिशिएंसी का मतलब होता है सबको इक्वली सारे रिसोर्सेज डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे एक डब्बा है, बॉक्स है, एप्पल तोड़ने हैं, ठीक है, इनका टास्क है कि इन्होंने एप्पल्स तोड़ने हैं। अब एफिशिएंसी, जब गवर्नमेंट एफिशिएंसी का रूल अप्लाई करती है, इनकी एफिशिएंसी और इक्विटी में से कोई एक चीज चूज करनी है अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, और एफिशिएंसी चूज कर लिया गया, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देती हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। लेट्स से कि गवर्नमेंट ने चूज किया एफिशिएंसी को, ठीक है। अब एफिशिएंसी में क्या हुआ कि एप्पल तोड़ने, एफिशिएंसी कहती है कि भाई जितने रिसोर्स हैं उनको इक्वली पूरी इकोनॉमी में डिवाइड करो, यानी कि इन सब ने सबको एक एक सहूलत दी कि हम एक एक डब्बा सबको देंगे। अब इसकी हाइट लंबी थी इसके लिए डब्बा फायदेमंद रहा, इसकी हाइट छोटी थी इसके लिए डब्बा फायदेमंद नहीं रहा, इसकी हाइट भी छोटी थी इसके लिए भी फायदेमंद नहीं रहा। तो इट मीन्स के इक्विटी और एफिशिएंसी में से एफिशिएंसी वर्क नहीं किया। जब इक्विटी को चूज किया तो पता लगा कि अगर किसी की लंबी हाइट है तो उसको एक डब्बा देना चाहिए, ठीक है, इसकी जो हाइट जरा थोड़ी सी नॉर्मल है इसको टू बॉक्सेस चाहिए, यानी कि इक्वल मतलब कि जितनी उसको जरूरत है उतनी उसको प्रोडक्शन दी जाए या उतनी उसको उस लेवल के ऊपर उसको वेलफेयर प्रोवाइड किया जाए, इसको बोलते हैं इक्विटी। एफिशिएंसी का मतलब होता है सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया रिसोर्सेज का, कि सबको उठा के जॉब दे दी। हो सकता है किसी को जॉब की जरूरत ही ना हो, हो सकता है इनमें से किसी इसको डब्बे की जरूरत तो थी ही नहीं लेकिन इसको फिर क्यों दिया गया। इस तरीके से क्या होता है बेटे, हमारी इकोनॉमी में इनजस्टिस फैलता है। अगर जस्टिस की सिचुएशन लेके आनी है तो फिर एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी में से इक्विटी को हमें चूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओह सॉरी, इसके बाद अगर बात कर ली जाए कि इक्विटी में आप लोग ये देख रहे हैं कि इक्विटी में हमारे पास ये चीज आ जाती है, ठीक है जी। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि ये सिंपल ट्रेड ऑफ्स हैं जो कि तीन कैटेगरीज में हमें डिवाइड किए जाते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में होते हैं, हमारे नेशनल लेवल पे होते हैं और हमारे सोशल लाइफ में होते हैं। इस स्लाइड के ऊपर मैं जरा एक मिनट के लिए पॉज करूंगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, सो आई मे म्यूट अनम्यूट योर माइक। जी, एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? आप लोगों में ये आवाज भी आ रही है क्लियर के नहीं? जी जी मैम, आ रही है। जी फरूख जावेद, आप बेटे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? नो मैम। ओके थैंक यू जी। ऑल राइट, ठीक है, अगली साइड पर चलते हैं। आई होप कि आप लोग सबको इसकी समझ आ रही हो कि हमारे ट्रेड ऑफ्स जो होते हैं, पीपल को किस किस तरह के लोगों को ट्रेड ऑफ्स लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल्स पे चलते हैं जो कि हमारा सेकंड प्रिंसिपल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आप एक चीज़ चूज करते हो ना और दूसरी चीज़ छोड़ते हो और उस चीज़ की जो वैल्यू होती है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अभी मैं क्या बोल गई, किसी को कुछ समझ नहीं आना, मुझे पता है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो बेटे लफ्ज है ना, ये इकोनॉमिक्स की टर्म है, ये आपको किसी और सब्जेक्ट में नहीं मिलेगी। ये इकोनॉमिक्स ने ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, इकोनॉमिस्ट ही आपको समझा सकता है कि ये होती क्या है। अब देखिए, मेकिंग डिसीजंस आल्सो रिक्वायर कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि मेकिंग डिसीजंस रिक्वायर ट्रेडिंग ऑफ। अब ट्रेडिंग ऑफ के बाद बात आती है कि कंपेयर भी करना है। अब जरूरी नहीं कि जब आपने इस चीज में चूज करना था कि मैं बेसबॉल खेलूं कि पढ़ाई करूं, इसके अंदर आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगी, एक आएगी आपके पास आगे जाके एग्जांपल आएगी, बल्कि आपको यहीं पे कोट की जाती है कि एक बेसबॉल प्लेयर है, ठीक है, उसके पास भी चूज थी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, आपने कंपेयर करने कॉस्ट एंड बेनिफिट। अब यहाँ पे दो स्टूडेंट है, एक स्टडी कर रहा है, मतलब उसी ने या तो स्टडी कर ले या तो गेम टाइम कर ले। अब अगर ये उसकी डिग्री उसको प्रोड्यूस कर रही है उसका डिजायर रिजल्ट, तो वो स्टडी चूज करेगा। अगर उसका गेम टाइम उसको उसका डिजायर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि उसको बेनिफिट दे रहा है, तो वो गेम टाइम चूज करेगा। नॉर्मली तो ये होता है कि आपको गेम टाइम कोई फायदा नहीं देता, लेकिन सम टाइम्स आपको गेम्स भी फायदा देती हैं। इस तरीके से एक बेसबॉल प्लेयर की आपको यहाँ पे एक कहानी बताती हूँ जो कि आपकी बुक्स में भी डिस्कस की जाएगी। उसने क्या किया कि अपना उसको एक बेसबॉल उसको फेवरेट थी उसकी, उसने बेसबॉल खेलनी है। अब उसने अपना हाई स्कूल, ठीक है, यानी कि वो हाई स्कूल में पढ़ रहा था और अच्छी पोजिशन भी ले रहा था, उसने अपने हाई स्कूल ड्रॉप कर दिया अपने बेसबॉल यानी कि बेसबॉल प्लेयर बनने के लिए, बेसबॉल सीखने के लिए। उसने जिस जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट था वहाँ पे एडमिशन लेना था, उसने अपना हाई स्कूल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि उसे प्लेयर बनना है, इसलिए कि उन लोगों ने उस जो जिन्होंने उसको प्लेयर बनाना था उन लोगों ने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था 10 बिलियन का, ठीक है। अगर देखा जाए तो $10 बिलियन उसको पे किए गए थे उसके खेलने के लिए। अब स्कूल में उसने डिग्री अटेन करनी है, उसके लिए उसको कोई पैसा नहीं दे रहा,
लेकिन प्लेयर बनने के लिए उसको इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसने क्या चूज किया, उसने खेल कूद चूज किया। लेकिन उसको भी उस सूरत में कंपेयर किया जब उसको उसमें उसमें बेनिफिट नजर आ रहा था। अगर वो ये कहते ना कि हाँ भाई तुम अच्छे प्लेयर बन जाओ, अगर तुम बहुत अच्छे प्लेयर बन गए तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे, नो, उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसको उन्होंने पैसे दिए, उसके बाद उसको उसको गेम में लेके आए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे होते हैं जब आपको कंपेयर करना पड़ता है, उस कंपैरिजन को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अभी ये कंप्लीट कंसेप्ट नहीं है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअल में होती क्या है बेटे, एवरी चॉइस वी मेक एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड ऑफ हैज अ वैल्यू। हर चीज की एक अपनी वैल्यू होती है, अपनी एक कदर इकदार अपनी वो रखती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की दो डेफिनेशन है, इधर गौर से देखिएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू यू डिसाइड टू गिव अप। ये वो वैल्यू है जो आप डिसाइड करते हो छोड़ देना, यू डिसाइड टू गिव अप एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड ऑफ। अब ये देखिए, ये एक पिज्जा है और ये एक फ्रूट्स है, इन दोनों के दरमियान में ट्रेड ऑफ करना है, ठीक है। अब आपने पिज्जा छोड़ दिया, ठीक है, यू गिव अप ऑन पिज्जा, आपने चूज क्या किया, फ्रूट्स। अब मैं आपसे पूछती हूँ बेटे, आपने ये फ्रूट चूज किए, इस फ्रूट्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने क्या पे की? तो आप कहोगे कि मैम I have paid the pizza as opportunity cost to get these fruits. आपने इन फ्रूट्स को हासिल करने के लिए इस पिज्जा को छोड़ दिया। This pizza is your opportunity cost. यानी कि आपने फ्रूट्स लेने के लिए जिस चीज को छोड़ा है, जो छोड़ने वाली चीज है, वो आपकी opportunity cost बनती है। सिर्फ इस पिक्चर में मुझे बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेस कर लें। मैं अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल एक कंसेप्ट है कि आपने जो चीज छोड़ी होती है वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। What if, ये तो बात हुई थी ग्रेप्स के पीछे पिज्जा छोड़ा, स्टडी के पीछे गेम छोड़ी, अगर ये नंबर्स में आ जाए फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर नंबर्स में से कैसे चूज करेंगे? ये तो सिर्फ दो डिसीजंस थे ना, दोनों में से कोई एक जो चीज चूज कर ली, जो रह गई वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। वट इफ के इतनी सारी चीजें आ जाए, फिर उसमें से आपकी कौन सी चीज होगी? तो यहाँ पे बेटे ये जो वैल्यू का डिस्कस किया गया था ना, वो ये वैल्यू यहीं पे, ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में आती है। इट, अब देखिए इसकी दूसरी डेफिनेशन का पार्ट, इट इज द हाईएस्ट वैल्यू फॉरगॉन अल्टरनेटिव व्हेन एनी चॉइस इज मेड। अब यहाँ पे एक ये बच्चा है, ठीक है, आपकी क्लास में से कोई क्लास फेलो है, इसको जॉब मिली, ठीक है, पहले इसको 3000 की वही जॉब, ये ना जानता है कि मैंने कैसे कंप्यूटर के ऊपर डेटा एंट्री करनी है, इसको डेटा एंट्री की जॉब मिल गई है। अब एक कंपनी इसको 3000 पे कर रही है, एक उसको 7000 पे करती है, एक कंपनी डेटा एंट्री का 8500 पे करती है, एक 10000 पे करती है और एक 12000 पे करती है, और वर्किंग आवर्स सारी कंपनियों में 5 आवर्स हैं, यानी कि 5 आवर्स उसने काम करना है डेटा एंट्री का, और डेटा एंट्री के उसको डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट उसको मतलब सैलरी पे की जा रही है। आम सी अकले इंसानी हमारी कहती है कि वो इन सब चारों पांचों कंपनियों में से ये वाली कंपनी चूज करेगा जो कि उसको 12000 रुपया दे रही है। अफकोर्स किसका दिल करेगा कि आप 5000 में काम करो, मतलब 5 घंटे के लिए डेटा एंट्री का काम करो, आप 3000 रुपया कमाओ उसके ऊपर, या 5 घंटे काम करो आप उसके ऊपर 8500 रुपीज कमाओ, जबकि आपको 12000 मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अकले इंसानी की साफ साफ सी ये बात है बेटे कि वो सिर्फ इसको चूज करेगा। हाँ जी, वो चूज करेगा इस 12000 की जॉब को। अच्छा, अब उसने 12000 की जॉब को तो चूज कर लिया, उसके बाद अब उसके पास क्या रह जाता है? अगर मैं ये 12000 की जॉब चूज हो गई, अब रिमेनिंग उसके पास कितनी रहेगी? उसने इसके पीछे कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ी? वन सेकेंड, मुझे इसको ना जरा थोड़ा सा ओके करने दे, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। वन सेकेंड, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। हाँ जी, ये 12000 की उसने जॉब सेलेक्ट कर ली है, ठीक है जी, उसने इतनी सारी जॉब, अब इसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये अब उसकी चली गई, ठीक है, ये 12000 चूजन है। अब इसको अब आप लोगों ने डिस्कस नहीं करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? द वैल्यू ऑफ गिव अप यूनिट, यानी कि जो यूनिट आपने छोड़ा है उसकी वैल्यू आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब आपने छोड़ा इसको भी है, आपने छोड़ा इसको भी है, आपने इसके ऊपर भी गिव अप कर दिया, आपने इसके ऊपर भी गिव अप कर दिया। नाउ इट्स रियली टफ टू डिसाइड कि अब आप मुझे क्या बताएंगे कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो उस टाइम पे आपको याद आएगा कि हमारी मैम ने एक दफा कहा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर डिसाइड करना हो इतनी सारी चॉइसेस के दरमियान में से, तो इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यूड फॉरगोन होती है ना, जो आपने सबसे ज्यादा वैल्यू जो आपने छोड़ दी होती है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब ये बताएं इन सब में से हाईएस्ट कौन सी? ऑफकोर्स 10000 हाईएस्ट है, इज इट? ये आपकी 10000 हाईएस्ट बनेगी। वन सेकेंड बस, जी, ये आपकी 10000 हाईएस्ट बन गई है, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी
कॉस्ट बन चुकी है। इधर मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ओसी के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 10,000 आपकी हाईएस्ट वैल्यू, इतनी सारी वैल्यूज के ऊपर से ना इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे, ना इसको हम बोलेंगे, ना हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। इनके 12,000 के ऊपर आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी ली? 10,000, बिकॉज 10,000 वॉज द हाईएस्ट वैल्यू अमंग ऑल दीज कॉम्बिनेशन। इन चारों के चारों जिनके ऊपर मैंने रेड मार्क किया, इन चारों में से 10,000 वॉज द हाईएस्ट फॉरगॉन वैल्यू। जो आपने वैल्यूज छोड़ दी है, जिनके ऊपर आपने गिव अप कर दिया, उनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट 10,000 थी, एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अब इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू आस्क मी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। थर्ड प्रिंसिपल आप लोगों का क्या है? थर्ड प्रिंसिपल है कि बेटे यहाँ पे कि रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन, मेकिंग डिसीजंस आल्सो रिक्वायर कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एट मार्जिन। हमने देखा कि डिसीजन अगर लेना है तो आपको ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ेगा, फिर उस ट्रेड ऑफ की कॉस्ट एंड बेनिफिट्स देखने पड़ेंगे, अब उन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को मार्जिन पे रख के सोचना भी पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो खेलेगा या फिर पढ़ेगा, अगर खेलने में उसको कोई पैसा दे रहा है तो डेफिनेटली वो खेल चूज करेगा, और लेकिन अगर उसको पढ़ाई के साथ ये शोर होगा कि खेल में मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा लेकिन पढ़ाई के बाद मैं अपने आप को इतना बाशोर बना लूंगा कि मैं इस अपनी सोसाइटी का एक वेल नोन पर्सन बन जाऊंगा, मेरे पास जॉब भी होगी, मेरा अपना बिजनेस भी होगा, मेरी एक वेल नोन इमेज होगी, तो डेफिनेटली वो पढ़ाई को चूज करेगा। अब यही वो मार्जिन है जिसके बारे में वो डिस्कस कर रहा था। ये एक मैंने छोटी सी इलस्ट्रेशन निकाली है आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के, तो आई होप सो इससे आपको पसंद आ जाइए। अब ये देखें, ये एक बॉब है, ठीक है, ही इज अ पर्सन, ये क्या कर रहा है कि हैज अ हैमबर्गर बट ही कैन नॉट डिसाइड इफ ही शुड बाय अनदर हैमबर्गर। इसको हैमबर्गर बहुत पसंद है, ठीक है, ये बहुत शौक से खाता है। अब एक तो इसने खा लिया, एक से इसका टमी फील हो गया, अब ये कह रहा है कि मैं इतने शौक से खाता हूँ, मुझे इतना पसंद है, मैं दो क्यों ना ले लूँ, ठीक है, ही इज थिंकिंग मैं दो खरीदूंगा। द बेनिफिट ऑफ हैविंग एन एडिशनल बर्गर, यानी कि ये बर्गर था, अब एडिशनल बर्गर इसने लिया है, रिमेम्बर दैट एडिशनल बर्गर आया है। एडिशनल का लफ्ज हमारी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल के नाम से एसोसिएट किया जाता है, याद रहे इकोनॉमिक्स ही बेटे एक अपनी लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स अपनी जबान में बात करती है। आप एडिशनल बोलोगे, इकोनॉमिक्स बोलेगी मार्जिनल चेंज, आप कहोगे एडिशनल चेंज आया है, ये एक एक्स्ट्रा चेंज है, लेकिन इकोनॉमिक्स को कह देगी मार्जिनल चेंज, यानी कि बात वही है, सिर्फ अल्फाज मुख्तलिफ है। अब यहाँ पे क्या आया, मैं भी इसको मार्जिनल का लफ्ज बोल लगी हूँ, याद रहे कि मेरा मतलब इसका मतलब ये कि एडिशनल, यानी कि ये जो बर्गर है उसे मार्जिनल बेनिफिट देगा, यानी कि एडिशनल बेनिफिट देगा। लेकिन अब इसके कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस कर लो, यानी कि बेनिफिट तो ये है कि उसका टेस्ट, मतलब उसको उसकी भूख ज्यादा भरपूर पेट भर जाएगा, लेकिन उसको कॉस्ट क्या पड़ेगी, यानी उसको नुकसान क्या होगा। द कॉस्ट ऑफ हैविंग एन एडिशनल हैमबर्गर आर द फूड कॉस्ट, यानी कि एक तो आपको उसकी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है, वो फ्री नहीं मिल रहा, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप दो जंक फूड खा लोगे तो डेफिनेटली इट्स अनहेल्दी, और फिर एंड इट कुड पोटेंशियली कॉज हार्ट बर्न। अगर आप ज्यादा फैट खाओगे ना तो वो हार्ट बर्न भी कॉज कर सकती है, इसलिए कहते हैं कि अगर आपने पिज्जा भी खाना है तो बांट के खाओ, ताकि एक एक स्लाइस सबको आए, एक पिज्जा अकेले ना हड़प कर जाओ, ज्यादा फैट आएगी, हार्ट बर्न भी हो सकता है, ठीक है, और वो अनहेल्दी भी होगा। तो इसी तरीके से वो बर्गर जब उसने उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, उसको पता लगा उसके बेनिफिट कम है जबकि उसकी कॉस्ट ज्यादा, बेनिफिट सिर्फ ये है कि उसको मजा आएगा, लेकिन उसके नुकसान क्या है, एक ये कि उसको उसके लिए पे करना पड़ेगा, दूसरा ये कि ये उसके लिए अनहेल्दी है, थर्ड ये कि वो उसको हार्ट बर्न दे सकता है। तो एट द एंड इसने क्या चूज किया कि आफ्टर क्लोज थिंकिंग, उसने मार्जिन पे रख के सोचने के बाद, बॉब डिसाइड्स दैट द मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन द मार्जिनल बेनिफिट, यानी कि उसका मार्जिनल कॉस्ट ये ज्यादा है, 1, 1, 2, 3 मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा निकली, जबकि मार्जिनल बेनिफिट सिर्फ एक है कि भाई वो उसको टेस्ट अच्छा लगता है, उसको फ्लेवर अच्छा लगता है, उसको टेस्ट के लिए चूज करना चाहता था। तो जब आपके कॉस्ट ज्यादा हो, आपकी बेनिफिट कम हो, तो डेफिनेटली यू विल गो विद द परचेज ऑफ वन हैमबर्गर। तो रैशनल डिसीजन मेकर मेक्स चॉइसेस इफ एंड ओनली इफ मार्जिनल बेनिफिट्स आर मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपके मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है तो ही डिसीजन लेना, अदरवाइज उसको छोड़ देना। अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा निकल आए और आपकी मार्जिनल बेनिफिट कम हो तो फिर लीव दैट डिसीजन। जी ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आखिरी जो प्रिंसिपल है, यानी कि डिसीजन मेकिंग का आखिरी प्रिंसिपल, 10 प्रिंसिपल्स में से अभी सिर्फ हम लोग चौथे प्रिंसिपल के ऊपर हैं। दिस वॉज द पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, बिल्कुल आपके ये पहले प्रिंसिपल में, कि उसने पढ़ाई और बेसबॉल में से चूज किया, उसने बेसबॉल,
ठीक है, वो ये प्लेयर है आपका, ठीक है, ये सॉरी बास्केटबॉल उसने चूज किया था, वो ये प्लेयर, इसके बारे में डिस्कस हो रहा था. इसने क्या किया था कि अच्छा, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव, समथिंग दैट इनकरेजेस अ पर्सन टू डू समथिंग और हार्डर. आपकी मम्मा कहें कि अगर आपने टिंडे खाने हैं घर में, अगर टिंडे या करेले वगैरह हैं वो खाने हैं, उसके बदले में आप लोगों का जो वाईफाई का टाइम है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो डेफिनेटली आप लोग वो खा ही लेंगे. ठीक है, आपकी मम्मा ने आपको इंसेंटिव दे दिया वाईफाई का टाइम एक्सटेंड करने का, तो आप उस इंसेंटिव यानी कि उस बॉन्ड्स की तरफ आप लोग इंक्लाइन होंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे. अगर इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो आप लोग चुप करके बैठे रहेंगे, भाई हम अगर टिंडे नहीं खाएंगे तो हम रात को 12 बजे पिज्जा ऑर्डर कर लेंगे. ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको इंसेंटिव मिला कि आपको एक्स्ट्रा वाईफाई ऑर्डर्स मिल जाएंगे आपके मम्मा पापा की तरफ से, तो आप लोगों ने फौरी तौर पर आप लोगों ने रिस्पॉन्ड कर लिया उस सब्जी की तरफ भी जो आप लोग को नहीं पसंद या आप लोग नहीं खाते. अच्छा जी, व्हाइल मेकिंग डिसीजन पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव बिकॉज पीपल मेक डिसीजंस बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट, देयर बिहेवियर मे चेंज इफ दोज कॉस्ट एंड बेनिफिट्स चेंज. अब आपके लिए इस लेवल के ऊपर, आपके लिए बास्केटबॉल और पढ़ाई में से पढ़ाई बहुत ज्यादा मैटर करती थी, लेकिन इसके लिए बास्केटबॉल और पढ़ाई में से बास्केटबॉल ने रोल प्ले किया. क्यों? ये देखो, लॉ लेकर बास्केटबॉल स्टार, इसका नाम एले, या इसको एले लेकर कोब बैरेंट चूज टू स्केप, ये इसका नाम है कोर बैरेंट. ये जिसने इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन किया था उसका लेकर, ठीक है, लेकर्स हैं जिसने बास्केटबॉल क्लब जिसने जो या भी वो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था. कोब ने चूज क्यों किया, इसने चूज टू स्किप द कॉलेज, ये चाहता तो अपना स्टडी स्टार्ट करके, अपनी स्टडी को एंड करके फिर अपना बास्केटबॉल स्टार्ट करता, लेकिन नहीं, क्यों इसने किया, व्हाट वाज रीजन, एंड गो स्ट्रेट टू द एनबीए फ्रॉम हाई स्कूल व्हेन ऑफर्ड अ 10 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट. मैंने आपको बताया था ना कि अगर 10 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट जब उसको मिला तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसने बास्केटबॉल को ज्वाइन कर लिया. अगर उसको ये 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि मैं बात किस चीज के बारे में कर रही हूँ. अगर बेटे उसको ये 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता तो वो हाई स्कूल में ही रहता, लेकिन उसको 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसीलिए उसने क्या किया, उसने स्किप कर दिया अपने कॉलेज को और एनबीए यानी कि बास्केटबॉल के लिए कोब ने ज्वाइन कर लिया. दैट्स इट, इस तरीके से उसने इंसेंटिव को रिस्पॉन्स किया. अच्छा जी, अब यहाँ तक आपकी एक कैटेगरी मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि आपके 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में से 4 प्रिंसिपल्स जो कि डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये एंड हो चुके हैं. इस पर कोई प्रॉब्लम हो तो डू आस्क मी. इसके बाद हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है. तो जो बाकी कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज रहेगी, इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे. आज का आपका लेक्चर सिर्फ इस फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर था, यानी कि इकोनॉमिक्स के 10 सुनहरी असूलों में से आज आपने 4 सुनहरी असूल पढ़ लिए हैं. जिसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटे. मैम काइंडली 4 को दोबारा रिपीट कर दें. कोट वाले रूल को, प्रिंसिपल 4 को दोबारा रिपीट कर दें. मैं रिपीट अभी कर देती हूं. थैंक यू फॉर आस्किंग बेटे. प्रिंसिपल नंबर 4 में ये था कि आपके पास जो डिसीजंस होते हैं, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, ठीक है. एक तो उनके पास इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, उस उन्होंने इंसेंटिव्स को रिस्पॉन्स करना है, कुछ भी कर ले. पहला सूल ये था कि आपको ट्रेड ऑफ मिली, आपने दो चीजों में से कोई एक चीज चूज कर ली, ठीक है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने देखी कि भाई मुझे ये चीज जो है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थी आपकी प्रीवियस, यानी कि इसमें जो हायर चीज है ना, हायर बेनिफिट वाली, वो आपने चूज कर ली. आपने जो लास्ट वाली जो चीज थी वो आपने छोड़ दी. फिर आपने मार्जिन पे रख के सोचा कि ये चीज मुझे बेनिफिट भी देगी कि नहीं देगी. लेकिन अगर उसके बेनिफिट देने के बावजूद आपको अगर इंसेंटिव उसके ऊपर मिल गया ना, आपने वही चीज चूज कर लेनी. आपने इसको भी भूल जाना है, मार्जिन को भी भूल जाना है, आपने इसको भी भूल जाना है, आपने इसको भी भूल जाना है. आपने चूज करना वो है जिसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिल रहा होगा. आम से इसकी मिसाल लेती हूँ, इसकी कोब की. कोब के पास इंसेंटिव एक ये भी था, कोब ने जब चूज करना था अपनी पढ़ाई और बास्केटबॉल में से, तो इसके पेरेंट्स ने इसे कुछ सोच समझ के स्कूल भेजा होगा. ये जब स्कूल गया तो इसने यही चूज किया कि मैं अपनी स्कूल की स्टडी मुकम्मल करूंगा, उसके बाद में अपना बास्केटबॉल खेलूंगा. इट वॉज अ रेशनल डिसीजन. उसने मार्जिन पर रख के सोचा ना, अगर बास्केटबॉल में टाइम वेस्ट कर देगा तो स्कूलिंग की तो उम्र निकल जाएगी उसकी. तो उसका जो डिसीजन था स्कूलिंग का बहुत बेहतर था. लेकिन स्कूल में ज्वाइन करने के बाद उसको एक इंसेंटिव मिला. इंसेंटिव क्या था? वो ये 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट. ये 10 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये उसका इंसेंटिव था बास्केटबॉल को ज्वाइन करने का और स्कूल को छोड़ देने का. जो उसने इतना अच्छा डिसीजन लिया था, उस डिसीजन के ऊपर जब उसको इंसेंटिव नजर आया तो उसने अपने डिसीजन को वहीं पे ब्लॉक किया. ये माउस की मूवमेंट ऑफ कर दें बेटे. उसने सॉरी
इससे मेरा फोकस टूट जाता है, ठीक है। क्या था कि उसने अपने स्कूल को स्किप कर दिया और इस 10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के इंसेंटिव के ऊपर उसने अपना बास्केटबॉल कोड यानी NBA को ज्वाइन कर लिया था कि कुछ भी हो जाए लोग इंसेंटिव्स की तरफ जाते ही जाते हैं, लोग सेविंग्स नहीं करते हैं। लोग कहते हैं सेविंग्स क्यों करें हम लोग, आज क्या काम, आज हमें पैसों की जरूरत है, अगर कल हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग और कमा लेंगे। लेकिन उनको उनको ये कहा जाए कि सेविंग्स के ऊपर आप लोगों को हम कुछ प्रॉफिट देंगे। जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स क्या करते हैं, आप लोग से डिपॉजिट्स लेते हैं, आप लोग कहते हैं कि अगर आप इतने 2 लाख रुपया डिपॉजिट कराओगे तो मंथली 2 लाख डिपॉजिट करवाने के ऊपर आप लोगों को 2000 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा। आप क्या करते हो, बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो बजाय ये कि 2 लाख अपने पास रखने के। यानी कि दो तरह के आपको ट्रेड ऑफ मिल गए, या तो 2 लाख रुपया अपने पास सेव कर लो या तो 2 लाख बैंक में डिपॉजिट करा दो। अपने पास सेव करने का कोई बेनिफिट है? नहीं। अपने पास सेव करने से तो प्रॉफिट भी नहीं निकल रहा, लेकिन बैंक में अगर जमा करा दोगे, बैंक में डिपॉजिट करवा दोगे तो उसके ऊपर प्रॉफिट लगेगा आपका। खैर ये तो आगे टर्म्स आते हैं कि वो प्रॉफिट हलाल है कि हराम है या क्या चीजें होती हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे आपको फायदा नजर आता है आप अपना डिसीजन उसी तरफ को ले जाते हो। ये इसमें बात हुई है बस, कि आपको चार, जब डिसीजन लेना है तो 4 चीजों के ऊपर सोचना है, ट्रेड ऑफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर आप लोगों ने ये देख रहे हैं कि हम मार्जिन पे रख के सोच रहे हैं कि नहीं, फिर आपने ये एट द एंड देखना है कि इसमें कोई इंसेंटिव है भी कि नहीं है, इसमें कोई फायदा नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा। अगर इंसेंटिव ज्यादा नजर आ रहा है तो फिर उस चीज को चूज कर लो। दैट्स इट। मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जी मैम, मैंने पूछना था जो प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल था उसके अंदर जॉब सैलरी के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने 10,000 क्यों सिलेक्ट की, बाकी 8500 भी कर सकते थे या 7000 भी। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ये मैं इसको आंसर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको एक दफा दोबारा करना चाहूंगी क्योंकि आपके साथ साथ और भी ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आई। गौर से सुनिएगा जब मैं आपको बताऊंगी अब, ठीक है। अब ये देखिए, मेरे पास ये सारी की सारी डेटा एंट्री की जॉब की सैलरी थी। अब इसमें से चूज क्या करना चाहिए, अफकोर्स 12,000 चूज करना चाहिए, ठीक है। ये चूज करके अब हमने रख लिया। अब इसकी इकोनॉमिक्स की मैम है, ठीक है, मैं हूँ। अब मैंने पूछ लिया कि बेटे 12,000 की जॉब तो तुमने चूज कर ली, लेकिन इसके पीछे आप फोरगोन वैल्यू कौन सी छोड़ के आए, यानी कि अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने कौन सी छोड़ी। अब ये सोचने बैठ गया कि ये तो मैंने चूज किया होता, चूज वाली वैल्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नहीं होती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो वो होती है जो आप छोड़ चुके होते हो। अब मैं मैम को ये बताऊं, या ये बताऊं, ठीक है। अब हार्ड टू डिसाइड है कि मेरे पास तो 4 ऑफर्स पड़ी हुई हैं, इस 4 में से 7,000 बोलूं, 3,000 बोलूं, 10,000 बोलूं, 8,500 बोलूं। फिर इसको याद आया कि मैंने मैम के एक लेक्चर में सुना था कि अगर इन चारों में से चूज करना हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि कौन सी बनी है, तो वो आपकी इन सब में से हाईएस्ट वैल्यू होगी। अब 3,000 सबसे बड़ा है? नो। 7,000 सबसे हाईएस्ट है? नो। 8,500 सबसे हाईएस्ट है? नो। 10,000 सबसे हाईएस्ट है, इसलिए 12,000 के बाद जो बारी आ रही है, जो आपने छोड़ दिया, इन सब में से हाईएस्ट जो है वो 10,000 है, दिस विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के हाईएस्ट वैल्यूड फोरगोन। इनमें से वैल्यू चूज करना मुश्किल था कि फ्रूट्स की क्या वैल्यू है, पिज्जा की क्या वैल्यू, दो चीजें थी, दोनों में से एक ले ली है तो दूसरी जो बच गई ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको ले लिए तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, अगर इसको ले लिया है तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन जब डिसीजन ऐसे वाले आ जाए तो ये वाला जो आपने ले लिया उसको साइड पे रखो, इन सारों में से जो सबसे हाईएस्ट बनेगा वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है।